देखिए बिल्कुल चुनाव में कभी भी मैंने अपने पार्टियों के साथियों से मैंने आग्रह किया कि चुनाव के लिए तैयार रहें। कभी भी संभवतः बिहार में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव की जिस तरीके से मौजूदा परिस्थिति में बिहार में सरकार चल रही है, तो पार्टी के लोगों को मैंने ज़रूर इस बात के लिए मैंने आग्रह किया है कि तमाम सीटों पर अपनी मजबूत तैयारी रखें, कभी भी चुनाव की घोषणा हो। इस तरीके से कल दोनों तरफ से, और मैं दोनों तरफ कहूंगा कि जिस तरीके से भाषा की मर्यादा को का उल्लंघन किया गया है, और जिस तरीके से मुझे नहीं लगता कि बिहार विधानसभा में इससे पहले हम लोगों ने कभी इस स्तर की हम लोगों ने चर्चा देखी हो, जहां पर एक दूसरे के ऊपर इतने ज्यादा व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, जहां पर भाषा की मर्यादा को तार तार किया गया। मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र के लिए ये उचित है। व्यक्तिगत टिप्पणी राजनीति में मैं हमेशा कहता हूं कि आप नीति का आप विरोध कीजिए, नीतिगत मामलों में आप अपनी बातों को रखिए, पर अगर इस तरीके से व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप होते हैं, एक दूसरे के परिवार के अगर इसमें घसीटा जाता है, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। सुशील मोदी का नाम आगे किया गया, समर्थन करेंगे? नहीं, बिल्कुल समर्थन करेंगे। और देखिए लोक जनशक्ति पार्टी ने, हम लोगों ने कभी भी इस चीज को लेकर हम लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की वो सीट थी, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि अपनी तरफ से वो किनको प्रत्याशी बनाना चाहिए।